गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप? ठीक हो? आज के हम लेसन में क्या सीखेंगे? एथिक्स, दैनिक जीवन में हमारी नीतियों की क्यों आवश्यकता होती है? नीतियाँ यानी एथिक्स हमारे आपसी संबंध, आपसी रिलेशन एंड कार्य कुशलता को प्रभावित करती है। जो हम काम करते हैं, जो हम वर्क करते हैं, उसको प्रभावित करती है। घर प्रभावित करती है में किसी भी कार्य स्थिति के तीन घटक मतलब थ्री कंपाउंड होते हैं। होम में या जहां हम वर्क प्लेस में हम जहां काम कर रहे हैं वो क्या कौन कौन से घटक होते हैं? पहला होता है कार्य, दूसरा होता है कार्य मतलब जो वर्क हम कर रहे हैं वो कार्यकर्ता जो वर्क करने वाला है वह कार्यस्थल। वो तीसरा होता है कार्यस्थल मतलब जहाँ पे हम काम कर रहे हैं करते हैं। तीन घटक, तीन कंपाउंड, थ्री कंपाउंड होते हैं, वर्क, वर्क मैन और वर्क प्लेस। काम ही वास्तविक कार्य है जो किया जाना चाहिए। द वर्क इज द एक्चुअल टास्क टू बी डन। कार्य करने वाला व्यक्ति जो कार्य करता है। द वर्कर इज द पर्सन हु डज द टास्क। एक काम करने वाले व्यक्ति तो काम करेगा। यस मैम, यस मैम। कहाँ करेगा वो काम? कार्यस्थल पे। कार्यस्थल पे काम करेगा। जैसे सोहम मैम को रोज डेली बोलता है, मैम आप स्कूल क्यों जाते हो? लेकिन मैम का वर्क प्लेस क्या है? कार्यस्थल। क्या है कार्यस्थल? वर्क प्लेस क्या है? स्कूल है। स्कूल, इसलिए मैम को स्कूल डेली जाना होता है। वर्क प्लेस इंक्लूड द प्लेस ऑफ डूइंग द टास्क, टूल एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड एंड द स्टोर स्पेस फॉर देम। यानी कार्यस्थल जहाँ पे काम किया जाता है और जहाँ कार्यस्थल के लिए आवश्यक उपकरण यानी औजार को उपकरण रखे जाते हैं। जहाँ पे उनको जैसे मनोविकास में आपके लिए बुक्स कहाँ रखी जाती है? लाइब्रेरी में। तीनों तीनों घटक आपस में संबंधित होते हैं। कार्य भी करने वाला भी, कार्यस्थल भी और वर्क पर्सन भी, वर्कर भी। लेकिन हर परिस्थिति में करने वाला यानी वर्कर महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्यकर्ता में जो काम करने वाला है, जो वर्कर है, उसमें सोचने का, विश्लेषण करने की, सीखने की की जो आवश्यकता होती है उसको बदलना भी बदल सकता है, क्षमता होती है उसमें। जैसे आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है, पढ़ने के लिए स्कूल भी है, आपके लिए बुक भी है और पढ़ने के लिए बुक रखने का स्थान भी है, पढ़ाई करना भी, पढ़ाने वाला भी है। लेकिन आप अगर पढ़ने वाला नहीं होगा तो किसको पढ़ाएंगी? पढ़ा सकती हैं? नहीं मैम। इसी तरह से जब आप कहीं पे वर्क करोगे तो वर्क प्लेस भी आपके पास, वर्क काम भी है, लेकिन अगर आप वहाँ पे काम करने के लिए उपलब्ध नहीं होगे तो कर पाओगे? नहीं मैम। तो आपकी, क्योंकि आप क्यों महत्वपूर्ण हो? क्योंकि आप कर सकते हो, सोच सकते हो, सिर्फ एक कार्यकर्ता मतलब एक वर्कर अपने आसपास, अपने नियर अबाउट के कार्यकर्ता जो आपके आसपास काम करने वाले हैं उनसे प्रबंधन मतलब और भी सीख सकता है कि हम अपने काम को कैसे और अच्छे कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आलसी है, गैर जिम्मेदार है, वह अपने कार्यस्थल को वो क्या कर सकता है? वो प्रबंधक भी हो सकता है। अगर आप में रिस्पॉन्सिबल नहीं हो अपने लिए या आप जिम्मेदार ओनर्स नहीं हो तो आप क्या होगे? किसी भी कार्यस्थल के लिए प्रबंधक हो सकते हो ना? यस मैम। जैसे आपने स्टोरी में भी सुना था राजू क्या था? गैर जिम्मेदार था, है ना? यस मैम।
वो कहीं पे भी चला जाता था, जिससे उसके मालिक को हरि ओम को क्या हो रहा था, उसके बिजनेस में लॉस हो रहा था, हो रहा था मैम, अपने उद्देश्यों की सफलता के लिए, यानी जो हमारा उद्देश्य होता है उसकी सफलता के लिए हमारे संसाधन, संसाधन क्या होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, और इक्विपमेंट्स होते हैं, तो हमारे संसाधन जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका उपयोग करना के लिए घर व कार्यस्थल, मतलब अपने होम पे और अपने वर्क प्लेस पे अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट नीति कर्मी को विकसित करने की आवश्यकता होती है, यानी कुछ विशेष नीति, मतलब एथिक्स, इम्पोर्टेंट एथिक्स को बढ़ाने की आवश्यकता होती है, और एथिक्स के कारण हम किसी भी कारण, मतलब हम किसी भी नीति के कारण किसी भी कार्यक्रम और अपनी क्षमता अनुसार न्यायपूर्वक पक्षपात रहित तरीके से कर सकते हैं। ये नीतियां हमें सौहार्दपूर्ण, मतलब एक ये जो एथिक्स होते हैं, जो नीतियां होती हैं, हमें सौहार्दपूर्ण, मतलब एक अच्छे वातावरण जहाँ पे सब अच्छी तरह बोले भी, प्यार से भी रहें, उसको विकसित करने के लिए उत्साहित करती हैं, जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति यानी पर पर्सन एक दूसरे के सहारे व भरोसे का आनंद उठा सकता है, मतलब पर पर्सन ये प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के सहारे, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करके और एक दूसरे का भरोसे का आनंद, मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट करके अपना काम कर सकता है, कार्य वर्क प्लेस और वर्कर,